नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। धर्म एक है, रास्ते अनेक हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? धर्म वास्तव में वस्तु स्वभाव है, वही ध्रुव सत्य है और संप्रदाय अनेक हो सकते हैं। धर्म की दृष्टि सिने आजकल सीएम इंडिया के विषय में अश्विनी कुमार, अभी हम बात करेंगे आचार्य विशुद्ध सागर। अभी जो धर्म को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी है, कुछ लोग इस धर्म को छोड़कर उस धर्म में जा रहे हैं, मैंने इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। किसी भी मत मतांतर की दृष्टि से हमें पत्रवृत्ति में नहीं जाने की आवश्यकता। यह दृष्टि रह गई है, हम जाएँ वहाँ ठीक है और हमारी यहाँ अहिंसा सब दृष्टि हो सकते हैं, जहाँ पर भगवान महाराज श्री राम कृष्ण से धर्म एक है, रास्ते अनेक हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? धर्म वास्तव में वस्तु स्वभाव है, वही ध्रुव सत्य है और संप्रदाय अनेक हो सकते हैं। धर्म की दृष्टि मात्र विश्व मुक्ति और दया करुणा है, वही अहिंसा ही धर्म है, इस पर लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा माना गया है कि आप लोगों के दर्शन मात्र से कल्याण होता है, लोग अगल बगल से गाड़ी रोक करके देख रहे हैं, आप लोग से मिलते जुलते हैं। आप एक चीज़ हम देखते हैं कि जो पैर पे पानी धोल करके या उसको क्या किया जाता है, उसके विषय में थोड़ा सा बता दें। व्यक्ति की आस्था श्रद्धा है और कल्याण व्यक्ति की आस्था से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। और धर्म गुरुओं के माध्यम से हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, दृष्टि है। और जो पानी आग पर छल के मस्तिष्क को लगा रहे हैं, उनकी आस्था का प्रतीक है और उनकी जैसे स्त्री की स्थिति होगी वैसा उनका कल्याण होगा। अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि जाते जाते आप लोग समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संपूर्ण विश्व के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए यही संदेश है, आतंक अनाचार से दूर रह करके सदाचार, शिष्टाचार और राष्ट्रीयता की दृष्टि से संपूर्ण प्राणी मात्र में की भाव रहे, यही संदेश। हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि सभी प्राणी एक ही है और सबका कल्याण, और सभी एक जैसा रहे, अपने अपने साथ रहें, सब में प्रेम की भावना रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। धर्म एक है, रास्ते अनेक हैं, इन लोगों ने भी माना, लेकिन सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं। इन्हें आज का सीएम इंडिया टीवी से मैं सोनी कुमार किंडू बढ़ारा से धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।